तो बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। समीक्षा बैठक जो कि प्रधानमंत्री कर रहे थे, आपको बता दें अब खत्म हो चुकी है। ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन पर इस बैठक के बीच जोर दिया गया। 15+ का वैक्सीनेशन तेज हो, प्रधानमंत्री ने यह कहा। जिला स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त करने के लिए भी प्रधानमंत्री ने समीक्षा बैठक में कहा। देश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच केंद्र का प्रदेशों को निर्देश, मेडिकल ऑक्सीजन का कम से कम 48 घंटे का बफर स्टॉक रखें। केंद्र ने राज्यों से ऑक्सीजन कंट्रोल रूम को फिर से मजबूत करने को कहा। पीक के वक्त मांग बढ़ने पर आपूर्ति बढ़ाने का निर्देश। जीवन रक्षक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करें। मैं चाहूंगा वाला ग्राफिक्स और ये ब्रेकिंग लेके सीधे मैं डॉक्टर रवि मलिक के पास चलूंगा। सर, शार्प रिएक्शन, एक तरफ ऑक्सीजन की डिमांड्स आई है, दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि बूस्टर से कुछ होने वाला नहीं है, क्या फ्यूचर है? बिल्कुल, हमारे को पूरी तैयारी रखनी चाहिए। हमें आईसीयू बेड्स, हमें अपने हेल्थ केयर पर्सनल्स और हमारे अपने ऑक्सीजन और दवाइयों का पूरा स्टॉक रखना चाहिए। और मैं ये भी बताना चाहूंगा, कोई इसकी होल्डिंग बिल्कुल ना करे, क्योंकि होल्डिंग करने से लास्ट टाइम भी बहुत शॉर्टेज हुई थी, इस बार होल्डिंग बिल्कुल नहीं करनी है। तो इसी कड़ी में ये वीडियो को लाइक और शेयर करना, और आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा।